राम की जन्मभूमि पर दिव्य मंदिर मंदिर का निर्माण हो। देश के लगभग 110 करोड़ लोगों की इसके साथ भावना जुड़ी हुई है और राम जन्मभूमि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर अयोध्या में बनेगा बने इसकी सारी दृष्टि चंद राजनीतिक सद मीडिया और कुछ वोटों के सौदागर जो विपक्ष में वो राम मंदिर निर्माण में पिछले 60 वर्षों से अवरोध खड़ा कर रहे हैं। अब समय आ गया है, देश की जनता चाहती है कि राम मंदिर तत्काल बनना चाहिए और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय को ने जो इतनी देरी की है और देरी कर रहे हैं, 60 वर्ष हो गए तब से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो अब सरकार को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी तो सरकार कानून बनाएगी, अध्यादेश लाएगी और 2019 से पहले अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। बाबू जी, लगातार विपक्ष हमला बोलता रहता है कि बाबू जी भाई, जैसे कि आपके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ये सब राम मंदिर जल्द बनाने की बात कह रहे हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? राम मंदिर कब बन रहा है और कैसे बन रहा है? क्या कोर्ट के आदेश के बगैर ही बन जाएगा क्या? ऐसा है कि कोर्ट के बारे में हम कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन आश्चर्य की बात, एक आतंकवादी के लिए हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुल सकती है, फैसला ले सकती है, लेकिन राम मंदिर जिसके साथ देश के बहुसंख्यक समाज की लगभग 110 करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उस पर फैसला नहीं ले सकती। बार बार यानी लगभग 70 वर्ष से ये केस चल रहा है और इसके बाद भी न्यायालय कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं, तो इसलिए न्यायालय के जो तौर तरीका है हमारी और देश की जनता के समझ के परे है। और जब न्यायालय कोई फैसला लेने में असमर्थ है तो मैं इस मत का हूँ कि संसद को कानून बनाना चाहिए और मैं अपने नेतृत्व से इसकी मांग करूँगा। और हमारी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी वो राम मंदिर निर्माण को लेकर के प्राइवेट बिल ला रहे हैं, मैं उस बिल का 100% समर्थक हूँ और संसद के अंदर उनके लाए हुए प्राइवेट बिल का मैं पूरी तरीके से समर्थन करूँगा।